हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आपको कुछ मैथ्स के ट्रिक्स बताते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखते हैं, जैसे 40 की सीरीज है, 40 की लाइन में देखते हैं अपन। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसके स्क्वायर करना कितना आसान है देखो। जैसे कि ये हो जाता है सीधा सीधा 1600। अब जैसे 41 के स्क्वायर में आते हैं तो ये होता है 1681। यहाँ पे किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर होगा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाता है 17, यहाँ से एक आगे बढ़ गया और ये हो जाता है 64, मतलब ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। इधर एक कम होकर स्क्वायर होते जा रहा है और यहाँ एक बढ़ते जा रहा है। जैसे आगे देखते हैं 18 हो गया, जब 18 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर। सही है, सही जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, ये हुआ 19, जब ये 19 हुआ तो आगे एक कम हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर ये 20, 20 का 25, ठीक। आगे देखते जाइए, ठीक है। जब ये हो गया 21 आ जाएगा यहाँ पे और ये 16, ठीक है। 47 के पास चलते हैं, 47 का स्क्वायर क्या होगा? जब यहाँ पे 21 था तो यहाँ 22, वहाँ 16 है तो 16 के बाद 09, ये 3 का स्क्वायर है। और ये आगे 23 तो 4, और ये इसी प्रकार ये, और ये देखिए बहुत ही आसान है ये। और इस लाइन पे आपको कभी भी कोई भी स्क्वायर आ गया, 42, 45, किसी का भी, आपको ऐसी ओरली याद होगा और आप आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो बैक करके इसको नोट डाउन कर लेना ताकि ये काफ़ी काम आएगा आपके लिए। चलिए, एक होता है ये वाला रूल्स, अगर 12 × 14, जहाँ दो संख्याओं के बीच एक गैप रहता है, मतलब ये 12 है, यहाँ के बाद 13 आ रहा था लेकिन 13 नहीं है, एक गैप है, यहाँ पर 14 आया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 14 आया है तो 13 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 168। जब हम 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें 21 × 23, तो क्या आएगा? 22 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 483। ऐसे ही ये वाला रूल कहाँ पे अप्लाई होगा? जहाँ दो के बीच एक गैप हो, तो हम बीच में जो गैप है उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे रूल्स हैं, अगला वीडियो देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आएंगे, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं उसको भी दिखाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैं एक डेमो क्लास की तरह इसको यूज़ किया हूँ। चलिए, ठीक है, ओके, बाय।